एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है। सृष्टि का निर्माण त्रिदेव में से ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में लिया। विष्णु भगवान बन गए पालनहार और संहारक के रूप में भगवान शिव ने अपना कर्तव्य निभाया। आज का समय युग परिवर्तन का चल रहा है और विष्णु भगवान के आखिरी अवतार कल्कि के रूप में यानी कल्कि अवतार धरती पर आगमन कर चुके हैं। युग परिवर्तन के इस कार्य को समझने के लिए हर वर्ष को हमें देखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी सृष्टि में एक नया परिवर्तन, एक नए युग का आगमन, हर चीज़ की कायापलट हो जाएगी। लेकिन इस कार्य को करने के लिए काफ़ी वर्ष लगते हैं, लेकिन लोगों ने प्रेजेंट डिकेड में एक ऐसे साल को लेकर कुछ बातें कहनी सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर दी हैं कि जिसे ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर कोई इस पर आता है और अपना ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों के साथ शेयर करता है। तो किसकी बात माने या किसकी बात ना माने, हर इंसान इसी में आज उलझा हुआ है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए। और इसी चक्कर में कुछ लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ऐसा कह रहे हैं कि 2025 वो इम्पॉर्टेंट ईयर इस डिकेड का होगा जब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। भविष्य मलिका में लिखा है कि सिर्फ युग परिवर्तन के बाद 64 करोड़ लोग ही इस धरती पर बचेंगे जो सतयुग में जाएंगे, यानी युग परिवर्तन, कलयुग के बाद नए युग का आगमन। भविष्य मलिका में ये ज़रूर लिखा है, लेकिन 2025 ही वो साल होगा जहां पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बीमारियों के कारण, जलजले के कारण, आग तांडव, फाइव एलिमेंट्स का अटैक, इन सब के कारण क्या इतना अधिक विनाश हो जाएगा कि सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बच जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज अपने वीडियो में मैं अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। युग परिवर्तन में जैसा मैंने कहा कि काम जो है वो छोटा मोटा नहीं है कि फटाफट आए, एक दो साल में स्टार्ट किया और ख़त्म हो गया। 2020 से 2020 से इस युग का, कलयुग का, कलयुग के उस चैप्टर का आरंभ हुआ जिसे हम कोरोना समय कहते हैं। एक ऐसी आपदा अचानक से हमारे सामने आ गई जिसके बारे में कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी, लेकिन 2020 के साथ ही ये डिकेड सभी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। हर साल ही कुछ ना कुछ हो रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध जब स्टार्ट हुआ तब लोगों ने सोचा था कि कुछ दिन चलेगा और थम जाएगा, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं लाख कोशिशों के बावजूद बहुत सारे देश, इवन हमारा देश भी, भारतवर्ष ने भी समझाया, लेकिन न रशिया पीछे हट रहा है न यूक्रेन झुकने को तैयार है। यानी उनका युद्ध लगातार चल रहा है जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। रिसेंटली भूकंप सीरिया में और तुर्की में ऐसी तबाही उसने मचाई कि आज भी, अभी भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हमारे देश में जोशीमठ पर ऐसी आपदा आई कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़ना पड़ा। ये डिकेड प्राकृतिक आपदाओं का डिकेड है और जैसे जैसे युग परिवर्तन का समय
आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समय और अधिक भयानक रूप लेता जाएगा। ये बात सत्य है, लेकिन ये बात कहीं से भी तर्कसंगत मुझे नहीं लगती कि 2025 विल बी द लास्ट ईयर इन युग परिवर्तन। उसके बाद भी समय है इस डिकेड का, टिल 2029-30 से नेक्स्ट डिकेड। तो युग परिवर्तन, महाविनाश, महाविनाश के बाद ही यानी जो महाप्रलय आएगी धरती पर, जिसमें शिव का तांडव लोगों को देखने को मिलेगा, और वो महाप्रलय महाविनाश का अभी तो सिर्फ 1% चल रहा है, लेकिन अभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया और लोगों को डराना शुरू कर दिया कि 2025 में ही पूरे संसार के लोग धरती छोड़ चुके होंगे, सिर्फ 64 करोड़ लोग या कुछ एक लोग ही इस धरती पर बचेंगे। अगर आपका भी ऐसा विश्वास है तो ये आपका अपना ओपिनियन और आप अपने विश्वास को लेकर चलिए, लेकिन मेरे चैनल पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब तक पूरे संसार में वो परिवर्तन जो सतयुग के लिए ज़रूरी है नहीं होगा, तब तक युग परिवर्तन का मिशन कल्कि अवतार का कंप्लीट नहीं होने वाला। और जब तक उनका एम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ना ये धरती पर से लोग पूरी तरह से खत्म होंगे, ना ही सतयुग का आगमन होगा, क्योंकि तैयारी स्टार्ट हो चुकी है कल्कि अवतार के आगमन के साथ ही, धरती पर कदम रखते ही। लेकिन उनका मिशन कब, कैसे, कहां, कैसे चल रहा है, इसका पता ना वो किसी को चलने देंगे, ना किसी को पता लग पाएगा, क्योंकि 64 कलाओं के धनी कल्कि अवतार अपने आप में वो अनोखे इंसान डिवाइन कभी भी अपने किसी कार्य का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहती, चुपचाप साइलेंटली पीसफुली अपने मिशन को वो अंजाम तक पहुंचाती है। तो 2025 मेरे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होने वाला लास्ट ईयर इन कलयुग। इसके बाद भी बहुत सारा समय अभी और निकालना है, बहुत सारे विनाश इस धरती पर आएंगे जब तक लोगों की अकल ठिकाने नहीं आती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।